हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटी इलेक्ट्रिकल ज्ञान। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूँ। वैसे कैंडिडेट जिन्होंने आईटीआई कर कर रखा है और अप्रेंटिसशिप करने का सोच रहे हैं या अभी मतलब वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है अप्रेंटिसशिप करने के लिए। क्योंकि अभी देख सकते हैं फ्रेंड, अप्रेंटिसशिप के लिए सरकार बहुत ही जोर दे रही है और आगे मतलब चलकर अप्रेंटिसशिप का बहुत ही मतलब डिमांड होने वाला है। तो जहाँ से भी हो सके, जितना जल्दी हो सके तो आप लोग कर लीजिए, आपका बेटर है। ठीक है, तो चलिए आज मैं एक न्यू कंपनी के बारे में जो अप्रेंटिसशिप के लिए निकाली है एडवर्टीजमेंट, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट बात कि ये आपका HAL कंपनी निकाली है, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, आपका कानपुर के तरफ से इन्होंने अप्रेंटिसशिप के लिए रिलीज की है एडवर्टीजमेंट। तो इन्होंने बताया है कि आप ITI किए हुए हैं तो इस ट्रेड से फिटर वाले, टर्नर वाले, मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, कारपेंटर, इलेक्ट्रीसियन, उसके बाद आपको हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वेल्डर, मशीनिस्ट, कोपा, क्राफ्टमैन, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, उसके बाद आपका पेंटर हो गया, उसके बाद टेलरिंग हो गया, ड्राफ्टमैन। तो इन सभी के लिए आपको क्या रहना चाहिए, आपका 10th पास रहना चाहिए प्लस ITI पास रहना चाहिए। और आपका 1 ईयर का, इन्होंने आपको 1 ईयर का आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन्होंने लिख कर दिया है कि 1 साल आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसका मैं बता दूँ। इस पहले क्या होता था कि पहले इसका रिटन एग्जामिनेशन पे सिलेक्शन होता था, बट अब इन्होंने हटा दिया है। आपका क्या होगा, मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट में इन्होंने बताया है कि 70% आपका मैट्रिक का ऐड किया जाएगा और 30% आपका जो मार्क्स है वो ITI का कैंडिडेट किया जाएगा। दोनों को करके कैलकुलेशन इन्होंने मेरिट लिस्ट एक निकालेगा, उसके बाद आपका वहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है फ्रेंड, और मैं बता दूँ कि इसमें क्या है कि आपका अप्लाई करने का प्रोसीजर मैं बता देता हूँ। तो पहले ही बता देता हूँ कि फॉर्म ये स्टार्ट हो चुका है। आप इसका लास्ट डेट है 31 अगस्त 2019। ठीक है, 31 अगस्त 2019 तक आपको अप्लाई करना है। और अप्लाई का मैं बता दूँ मेथड, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको ऑफलाइन जाना होगा। ठीक है, ऑनलाइन इसमें सुविधा नहीं दिया है, आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम मतलब कि ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। तो चलिए मैं ऑफलाइन का फॉर्मेट दिखा देता हूँ। तो फॉर्मेट यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरह का फॉर्मेट है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इस तरह का कुछ फॉर्मेट दिया हुआ है। तो पहली बात तो आपको अप्रेंटिसशिप में मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अप्रेंटिसशिप एक नंबर मिलता है DGT की तरफ से, यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग की तरफ से। वो आपको रजिस्टर करना पड़ता है www.apprenticeship.gov.in पे। आपको अप्रेंटिसशिप वहाँ पे आपको रजिस्टर कीजिएगा तो वहाँ से आपका नंबर मिल जाएगा। तो ये पहले आप अपना कर लीजिएगा, उसके बाद और जो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, ITI का है, मार्कशीट है, वो सब भी आप इसमें लगा करके भेजना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये रहा फ्रेंड आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़। और इसमें बता दूं मैं कि फ़ीस उस कुछ भी नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बेटर अपॉर्चुनिटी है, जितने भी कैंडिडेट हैं जो ITI पास है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय।